हेलो दोस्तों, मैं अमृतसर रेल पथ मास्टर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं LDC JEE इंजीनियरिंग PV का पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और IRPWM का मैनुअल पूरा ऑब्जेक्टिव बना के ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो आप सभी का तैयारी JEE का पावरफुल रहेगा, इसलिए मेरे चैनल रेल पथ मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए और आपको लाभ हो। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 60 किलो पटरी की ऊंचाई MM होती है। तो देखिए, 60 किलो पटरी की जो ऊंचाई होती है वो 172 MM होती है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि रेलवे में सबसे ज़्यादा MM का ही उपयोग होते हैं। अगर कहीं MM रहे तो MM में ही उत्तर देने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, वो ज़्यादा ही सही रहता है। ज़्यादा काम रेलवे का MM में ही किया जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 52 किलो पटरी का ऊंचाई कितना होता है। ऊपर में 60 किलो पटरी का 172 MM था, नीचे में 52 किलो पटरी का ऊंचाई, तो 52 किलो पटरी का ऊंचाई 156 MM होते हैं। तो हम लोग इसको 156 MM कहेंगे। ऊपर में कितना था? ऊपर में 60 था, नीचे में 52 है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 किलो IRS पटरी का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र कितना वर्ग MM होता है? देखिए, 52 किलो का क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है, 52 किलो का क्रॉस सेक्शन, तो 52 किलो का क्रॉस सेक्शन होता है 6615, 6615। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 किलो UIC पटरी का क्रॉस सेक्शन कितना वर्ग MM होता है? तो 60 किलो का देखिए कितना होता है, तो 76 86 होता है। अभी हम लोग 52 का पढ़े, 52 में कितना पढ़े, 6615 पढ़े थे। अभी देखिए 60 का है तो 76 86 है, ज़्यादा इसमें दो ही चीज़ होता है, 52 और 60 अभी फिलहाल में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल GMT क्या होगा जो 52 किलो 90 UTS ले जा सकता है? यानी GMT पूछा है क्या होगा 52 किलो 90 UTS का, तो 52 किलो 90 UTS का जो 525 GMT होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कुल GMT क्या होगा जो 60 किलोग्राम 90 UTS पटरी ले जा सकता है। देखिए 60 किलोग्राम 90 UTS, तो इसका हो जाएगा 800, 800 GMT हो जाएगा, कुल GMT पूछ रहा है ना, तो 800 GMT बोलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 60 किग्रा पटरी प्रति मीटर का वास्तविक भार कितना है? तो 60 किलो का भार कुछ बता रहा है, बताना है हम लोगों को। तो 60 किलो का होता है 60.34 किग्रा। तो ये देखिए 60 किलो का है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को याद अच्छा से हो वास्तविक भार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 किलो पटरी प्रति मीटर का वास्तविक भार क्या होता है? तो ऊपर में 60 था, नीचे में क्या है, 52 किलो था। तो देखिए इसका उत्तर होगा 851.89, यानी 51.89, ये वाला बी नंबर ऑप्शन, 52 किलो पटरी का वास्तविक भार पूछ रहा है। देखिए तो 51.89 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90R पटरी का अर्थ क्या है? तो देखिए इसमें जो है ना, खाली यार्ड, यहाँ पे यार्ड वाला आदमी कंफ्यूज रहता है उत्तर में, तो 90 LBS यार्ड ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 13 मीटर पटरी में न्यूनतम कितने लिफ्टिंग पॉइंट होते हैं? तो 13 मीटर पटरी में न्यूनतम लिफ्टिंग पॉइंट जो होते हैं
वो दो लिफ्टिंग पॉइंट होते हैं, 13 मीटर में दो होते हैं, 26 मीटर में चार होते हैं, 39 मीटर में छः होते हैं, यानी 13 मीटर में दो होता है, समझ लीजिए। अब जितना होगा उतना दो बढ़ते जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 90 UTS 39 मीटर लंबी पटरी के लिए लिफ्टिंग पॉइंट होते हैं। तो देखिए 13 में जब दो हुआ तो जाहिर सी बात है कि 39 में छः होगा, तो एक खाली याद रख लीजिए, 13 में दो होता है। इसके बाद आप लोग खुद समझ आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटरी में IMR या IMR W के रूप में खराबी का पता लगाए जाने पर वेब के दोनों ओर अंकन को सूचित करें, यानी अगर पटरी में IMR चिन्ह लगा दिया जाए, IMR या IMRW, तो उसमें लाल पेंट के 3 क्रॉस लगाए जाते हैं, जिसको मैं लाल से ही पेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 किग्रा पटरी की फ्लेंज की चौड़ाई कितना होती है। यहाँ देखिए 52 किलोग्राम पटरी के फलन की चौड़ाई पूछा गया है, तो 52 किलो का जो पटरी के फलन की चौड़ाई होती है वो होती है 136 mm। और वही अगर आपको 60 का पूछे, तो जब 52 का क्वेश्चन बन गया तो 60 का क्वेश्चन बनेगा ही, तो 60 का देखिए कितना होता है, 150 mm। अगर कोई पूछे, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि 52 किलो पटरी के फलंज की चौड़ाई और 60 किलो पटरी के फलंज की चौड़ाई में दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं, तो दोनों में डिफरेंट होते हैं वही, देखिए घटा दीजिए, दोनों में 14 mm का डिफरेंट हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 UTS पटरी की सेवा अवधि पारंपरिक MMM पटरियों से कितना प्रतिशत अधिक होते हैं। तो देखिए इसमें जो है ना 50% अधिक होते हैं, याद रखिएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रन थ्रू लाइनों पर इन ग्लूड जोड़ों का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा हम लोग स्टाइलिस्ट बना देंगे, बढ़िया बना देंगे, यहाँ पे तो ऐसे बोला है, कारण इनका कहने का मतलब वो रन थ्रू जो लाइन है ना, तो किस प्रकार के ग्लूड जोड़ों का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा पढ़िए। तो रन थ्रू लाइन में ग्लूड जोड़ का प्रयोग किया जाता है, वो G3L का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन के चलते पहिया की पटरी की सतह पर फिसल जाने को क्या क्या होता है। इंजन जब चलते हैं और पटरी से फिसल जाते हैं तब क्या होता है, पहिया जलता है, पटरी झुक जाती है, पटरियों की परत निकल जाती है, पटरी का संरक्षण होता है। इसमें तो आपको देखिए 3 ऑप्शन लगता है कि हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है 3 ऑप्शन, इसमें एक ही ऑप्शन होगा, पहिया जलता है, याद रखिएगा, इंजन के फिसलने से पहिया जलते हैं, इंजन के फिसलने से पहिया जलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक OBS W पर अंकित होता है, OBS में एक, याद रखिए ट्रिक से, एक OBS है तो एक लाल क्रॉस होगा, तो यहाँ पे एक लाल क्रॉस हम लोग कर देते हैं, OBS में एक लाल क्रॉस होते हैं। चलिए इनको लाल क्रॉस से ही, लाल से ही हम कर देते हैं, OBS में एक ही लाल क्रॉस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन का अतिरिक्त प्रतिशत पटरी को बनाता है। अगर समझिए कि पटरी में कार्बन की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो क्या नतीजा होगा, क्या इसका परिणाम होगा, कार्बन अतिरिक्त बढ़ा दिया जाए स्टील में तो उसमें क्या उसका होगा, बताइए आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, ताकि मैं आप लोग का भी नाम लूँ, अपना नाम भी लिख दीजिएगा। तो ये हो जाता है भंगुर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे पर अल्ट्रासोनिक परीक्षण के उपकरण के डिजाइन के लिए प्रयोग किए जाने वाली तकनीकी कौन सी है। यहाँ पे तकनीकी पूछा गया है कि तकनीकी कौन सा है, यानी तकनीकी किस चीज़ का तकनीकी, अल्ट्रासोनिक परीक्षण का तकनीकी, इसका तकनीकी का नाम है पाइल्स इको प्रणाली, इसका नाम क्या है, ये वाला है पाइल्स इको प्रणाली।
तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे और सीधा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरे चैनल रेल पथ मास्टर को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग का तैयारी के लिए मैं काफ़ी मेहनत करूंगा और आप लोग का तैयारी को पावरफुल बना दूंगा, चाहे जितना भी उसमें सिलेबस है पूरे सिलेबस कवर कराने का कोशिश करूंगा मैं। तो धन्यवाद दोस्तों।